Good everyone, welcome back to my channel. So, আজকে এলাম মেলাতে, মেলা স্পেশাল। তো যে মেলা, তো রবিতে চলো আমার সঙ্গে মেলা দেখবো একটা। সঙ্গে থাকো ভিডিওটা পুরো জাস্ট দেখাই। ঠিক আছে? Thank you. তো রুকো জরা, সবর করো। বলা ধাক্কা বুক্কি নেই করনে কা, আরাম সে। ভাইয়া আপনার নাম? मेरा नाम रंजीत कुमार हो गया। ओके उर्फ टाइगर। क्या दिखाओगे आप? मैं यहाँ पे किचन का पूरा होम क्लीन प्लस गाड़ी क्लीन का पूरा साफ सुथरा का सामान दिखाऊंगा आपको। मेरा ये पहले स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा लास्टिंग तक दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास डस्टर है, ये 120 का आ जाएगा डिस्काउंट करके। ठीक है, ये डस्टिंग का ले आ जाएगा, गाड़ी हो गोदरेज टीवी अलमारी जो भी डस्टिंग करना चाहते हैं। एक अच्छा क्वालिटी का ये भी आ जाएगा, ये 180 का डिस्काउंट करके आ जाएगा, 150 का ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा भीड़ झाड़ने के लिए, झाड़ू बेड हो गया या बाथरूम में यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 149, डिस्काउंट करके आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज का। ये चीज पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज या मछली हो गया, फ्राई करेंगे इसमें, तेल में डालेंगे और निकाल लेना तेल में। ये आपका प्राइस है 299 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा 250 का ये वाला आपका। ये बोतल से ब्रश है, बोतल साफ करने के लिए, ये 50 रुपीज का आ जाएगा। ये आ जाएगा डस्टिंग के लिए, हाथ पे पहनेंगे आप। ठीक है, गाड़ी हो, गोदरेज हो, टीवी हो, फर्नीचर हो, जो डस्टिंग करना चाहते हैं डस्टिंग करेंगे, वाशिबल है ये। इसका प्राइस है 140 जी, गाड़ी भी होगा प्लस फर्नीचर भी होगा, वाशिबल है ये। इसका प्राइस है 149, आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा बस 120 का। ये भी आ जाएगा डस्टिंग के लिए, ये 99 का, आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा मात्र 70 रुपीज का ये। ये कंघी साफ करने के लिए है, कंघी को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको ये मात्र आ जाएगा 20 रुपीज़ का। ये कपड़ा धोने के लिए ब्रश है, ये आ जाएगा मात्र 50 रुपीज़ का। ये वाला आ जाएगा ग्रिल हो गया, जलना खटी ये भी आ जाएगा, सिलिकॉन का बोतल हो, थर्माकोल हो, साफ करने के लिए आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट करके 100 रुपीज़ का। ये इसका प्राइस है 120, डिस्काउंट करके 100 रुपीज़ का आ जाएगा। ये आ जाएगा पिट्ठी खसने के लिए, नहाने वक्त पिट्ठी गर्दन वर खसने के लिए आ जाएगा आपका। ये आपका है 180 का प्राइस, डिस्काउंट करके आ जाएगा 150 का। ये सब ऑयल ब्रश है, चिकन टमाटर, चिकन तंदूरी, मटन रोस्ट के लिए आ जाएगा, रोस्ट के लिए आ जाएगा। ये ऐसा आ जाएगा, ये तार जो होता है टूर्नामेंट का तार होता है आपका, इस पर पकाएंगे बैगन टमाटर तो नीचे रस नहीं गिरने देगा आपका। जो जैसे चिकन तंदूरी पकाते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है ना डायरेक्ट पकाने से मतलब उसका तेल नीचे गिरता है, इस पर जब्त करेगा ये पूरा लिक्विड को। इसका प्राइस है 150, डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 100 रुपीज़ का ये आपका। ये कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप साफ करने के लिए आ जाएगा, ये आपका 100 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा 80 रुपीज़ का। ये हीट पैक है, कहीं भी दर्द हो रहा है, सेकने के लिए ठंडा होना लग गया उसके लिए आ जाएगा ये। ये मात्र आ जाएगा 250 का ये। ये चाकू, चाकू में धार लगाने के लिए, चाकू हो, दावो या लोहा का चाकू, किसी भी चाकू में लगा सकते हैं या बूटी में भी। चाकू में इस तरह धार लगाना आपको, चलाना है इस तरह रख के, किसी भी चाकू में धार लग जाएगा आपको। ये बूटी रहेगा उसको में ऐसे लगाएंगे धार। ये 99 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा आपको 70 रुपीज़ का ये। ये आयरन स्टैंड है, आयरन रखने के लिए, इसका प्राइस है 180, डिस्काउंट करके आ जाएगा आपको 150 का। ये मेरे पास बॉडी मसाज है, बॉडी को मसाज करेंगे इससे, आप कहीं भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उससे मसाज करेंगे। ये बैटरी को लगा के यूज करेंगे या तो डाटा केबल, मैं आपको साथ में दूंगा डाटा केबल लगा के यूज करेंगे। ये आपका आ जाएगा 250 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा 200 का। ये बर्तन धोने के लिए आ जाएगा, डिश वॉश बर्तन धोने के लिए, इसमें लिक्विड डालना है, खोल के बंद करना है, प्रेस करने पर गिरेगा, वैसे नहीं गिरेगा। बर्तन हो, कढ़ाई हो, बेसिन हो, साफ करेंगे इसे आप। ये 1 लेंगे 60 का आ जाएगा, 2 पीस लेंगे आपका आ जाएगा 100 रुपीज़ का। ये आ जाएगा बेसिन साफ करने के लिए, बेसिन का नाली में जाम हो गया ना कचरा से, उसको क्लीन करने के लिए इस तरह पकड़ेंगे कचरा को, इस तरह पकड़ेंगे निकालेंगे कचरा को, उसके लिए आ जाएगा ये। इसका प्राइस है 150, डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 120 का ये। ये बेसिन के अंदर ऊपर से नहीं जाएगा, ऊपर का प्लेट हटाना पड़ेगा या तो नीचे से जाएगा, नीचे से। ये मेरे पास आ जाएगा कारपेट ब्रश, सूखा गद्दा, ब्लैंकेट, यही में जो डस्ट गिरा होता है ना साफ करेंगे, डस्टिंग से हटेगा नहीं, आप इसे करेंगे कारपेट ब्रश है ये। सूखा गद्दा, ब्लैंकेट में कोई भी डस्ट रहेगा मीमी पूरा क्लीन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सारा डस्ट को क्लीन करेंगे, यहाँ से जो भी डस्ट रहेगा मीमी सारा धूल उल होता है सारा इसमें चला आएगा। इसका प्राइस है 130, आपको डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 100 का ये। ये साइनर, ग्लास साइनर,
ग्लास हो गया, टाइल्स हो गया, वॉल दवाल साफ करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आपको खोल कर सिंपल पानी डालना है इसमें, यहाँ से जो लिक्विड आप यूज करते हो ठीक है इसमें डाल देंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे, लिक्विड बाहर गिरेगा। उसके बाद यहाँ से साफ करना है, कपड़ा से करेंगे पूरा रफ रहेगा, चिपचिप करेगा। आप पीछे से क्लीन करेंगे, इसी से पूरा क्लीन करेंगे, बस एक ही बार में पूरा क्लीन मिलेगा आपको। ये देखेंगे ये पूरा क्लीन, हाथ डाल के देखेंगे पूरा सूखा मिलेगा आपको। ये इसका प्राइस है 240, डिस्काउंट करके आ जाएगा आपका 200 का, मात्र 200 का। ये कपड़ा सुखाने के लिए, लुका सुखाने के लिए रस्सी है। ये जो ब्रेक होता है ना गाड़ी का, उसका बना होता है अंदर में, ऊपर से प्लास्टिक है, धूप बरसात में कभी खराब नहीं होगा आपका। ये 50 kg भी वेट डालेंगे झुकेगा रस्सी नहीं है। ये आपका प्राइस है 140 का, आपको डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 100 का। ये साबुन फेस वॉश चिपकाने के लिए आ जाएगा, साबुन और फेस वॉश हो चिपकाने के लिए, कोई भी लिक्विड हो, बस लगाने वक्त भिगाना है आपको, पानी से भिगाना है ठीक है। वाल दीवार कहीं भी चिपका दो पानी से भिगा के, वाल दीवार कहीं भी चिपका देंगे चिपक जाएगा, साबुन फेस वॉश हो चिपक जाएगा, गिरेगा नहीं नीचे, गिरेगा नहीं गिरेगा। देख रहे गिर रहा नहीं गिरेगा। ये वाला एक लेंगे तो 40 का आ जाएगा, 3 पीस लेंगे तो आपको आ जाएगा 100 का। ये मैजिक का स्पंज है, ये मैजिक का स्पंज है। इसे गैस चूल्हा चिमनी टेबल हो गया गाड़ी हो गया हर चीज क्लीन करेंगे। जैसे खाना बनाते किचन में मीठा ओल गिर जाता है, कपड़ा से उठाते हैं पानी तो पानी इस तरह ड्रॉप करेगा। आप इसे उठाते हैं आपका पानी नीचे फ्लोर पे ड्रॉप नहीं करेगा, देखेंगे ये पानी को जब करेगा, ये पानी नीचे ड्रॉप नहीं करेगा, पूरा पानी को बेसिन में जाकर निचोड़ देंगे ठीक है। खाना बनाने में क्या होता है ना, मीठा ओल गिर जाता है चूल्हा पे बगल में कहीं भी, थोड़ा कपड़ा से करेंगे तो पूरा चिपचिप रहेगा आपका ठीक है। आप इसे करेंगे सारा चिपचिप को एक ही बार में क्लीन कर देगा, ये सारा चिपचिप खत्म कर देगा, ये पूरा चिपचिप खत्म। या टेबल पर खाना खाते हो ना आप, टेबल पे कभी क्या होता है ना सॉस दही चटनी चाय कॉफी लस्सी कुछ भी गिर जा रहा है टेबल को, आप उसको भी क्लीन करेंगे। यहाँ पर रखना है इसको, एक ही बार में पूरा क्लीन कर देंगे, ये पूरा क्लीन मिलेगा। इसको साफ करना है सादा पानी में, विदाउट डिटर्जेंट का साफ हो जाएगा आपका। ये सादा पानी में जाना है और हाथ से पूरा को क्लीन करना है, पूरा क्लीन, कितना भी खींचेंगे टूटेगा फटेगा नहीं। इसका प्राइस है 125 का, डिस्काउंट करके मिल जाएगा आपको मात्र 100 का ठीक है। ये सब मेले में अवेलेबल है या नहीं? ये सब सिर्फ मेले में अवेलेबल है। यहाँ पे क्या मेले का लास्ट डेट कौन सा है? लास्ट मेले का डेट है 28 तक है, 28 को लास्ट डेट है, बाद में नहीं मिलेगा ना? नहीं बाद में नहीं मिल पाएगा आपको, बस 28 तक ही ऑफर चल रहा है, मिल जाएगा आपको। यह आ जाएगा साबर नल में लगाने के लिए, इससे आप लगाओगे तो पानी आपको छीटा नहीं पड़ेगा, बर्तन उधर धोने के लिए आ जाएगा साबर। ये आ जाएगा मात्र 40 rupees का, ये 40 rupees का आ जाएगा। ये आ जाएगा गन गाड़ी हो गार्डन हो साफ करने के लिए आ जाएगा। इसका प्राइस है 399 का, आपको डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 350 का। इसका पूरा बॉडी मेटल का है, इसका मैं दिखा दे रहा हूँ डेमो, यहाँ पे डेमो देख लीजिए। ऐसे प्रेस करें ग्लास के लिए आ जाएगा, ऐसे करेंगे एक ये भी आ जाएगा गन, ये भी गाड़ी के लिए है गार्डन के लिए। इसका प्राइस है 299 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा 250 का। ये है 199 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 150 का। ये भी कार वाश के लिए गार्डन के लिए है। ये सब आ जाएगा सिंक जाली बेसिंग में लगाने के लिए, इसमें बेसिंग में लगाएंगे तो कचरा आपका अंदर रह जाएगा, बेसिंग जाम नहीं होगा आपका। ये मात्र आ जाएगा आपका, इसका प्राइस है 149 का, डिस्काउंट करके आ जाएगा आपका मात्र 100 का। ये पूरा स्टील का आएगा, ये जंग नहीं लगेगा इसमें। ये सब आ जाएगा स्लाइडिंग विंडो डोर साफ करने के लिए, हाँ इसमें डस्ट भी उठाएंगे आप, इस तरह साफ करेंगे दिखाएंगे नीचे, इस तरह साफ करेंगे इसमें डस्ट उठाएंगे आप। इसका प्राइस है मात्र 80 rupees का, डिस्काउंट करके मिल जाएगा आपको मात्र 60 rupees का। दो पीस लेंगे तो 100 rupees का आ जाएगा, दो पीस लेंगे तो। ये सब आ जाएगा बेसिंग के लिए, बेसिंग साफ करने के लिए, बेसिंग हो टाइल्स हो साफ करने के लिए। इसमें लिक्विड आप डालेंगे खोल के ठीक है, जो लिक्विड आप यूज करते हैं जैसे सिंपल पानी हो गया, सरफ हो गया, जो लिक्विड आप यूज करते हैं या हार्पिक हो गया, यहाँ से बंद कर देना है। हल्का लूज करने पर लिक्विड बाहर गिरेगा, टाइट करने पर नहीं गिरेगा, बेसिंग के साफ करेंगे इसे आप। इसका प्राइस है 100 rupees का, डिस्काउंट करके आ जाएगा मात्र 80 rupees का। ये आपका आ जाएगा बाथरूम का टाइल साफ करने के लिए, इसका प्राइस है 60 rupees का, दो पीस लेंगे आपका आ जाएगा मात्र 100 rupees का। ये एक ये वाला दिखा देता हूँ, एक ये वाला मेरे पास आ जाएगा डिश वॉश के लिए। इसे इसका हर बहुत यूज है, जैसे कि हो गया गर्म बर्तन हो गया, फ्रूट्स हो गया या बेसिंग हो गया ठीक है, या बॉडी को भी घस सकते हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो उसको यहाँ पर रख के इस पर चाय कॉफी भी दे सकते हो पीने के लिए आप। इसका प्राइस है 120 rupees का, डिस्काउंट करके 5 पीस आ जाएगा इसमें। आइए
एक ये दिखा दे रहा हूँ, एक ये आ जाएगा बाथरूम ब्रश, इसमें भी लिक्विड सिस्टम है, यहाँ से आप लिक्विड डालेंगे खोल के, उसके बाद यहाँ से बंद करना है, लूज करने पर गिरेगा, टाइट करने पर नहीं गिरेगा, बाथरूम साफ करने के लिए। इसका प्राइस है मात्र 100 रुपीज़ का। ये एक मेरे पास एक और है कोमोड के लिए, एक मेरे पास एक कोमोड ब्रश है, इसका प्राइस है 299 का, डिस्काउंट करके आपको आ जाएगा 250 का। कोमोड साफ करने के लिए आ जाएगा ये कोमोड ब्रश है, ये पूरा सिलिकॉन का आ जाएगा आपका। ये बहुत अच्छा लगा भाई, एक जी भैया एक ये आ जाएगा बोतल में लगा के फ्लावर हो उसमें, मतलब पानी छिटने के लिए आ जाएगा, या मतलब दबाव छिटने के लिए, इस तरफ प्रेशर आएगा आपका। इसका प्राइस है मात्र 50 रुपीज़ का। ये एक ये आ जाएगा हुक, ये हुक है, चार्ज में चिपका दो या वुड में या ग्लास में, ग्लास में चिपकाएंगे, मिनिमम ये वेट लेगा आपका 1 kg तक, ठीक है। इसका प्राइस है 60 रुपीज़ का, 2 पीस लेंगे तो 100 रुपीज़ का आ जाएगा आपका। ये इसमें 6 पीस आ जाएगा, ठीक है, चिपका हुआ है चार्ज, तार से चिपका हुआ है, लगाना आपको इस तरह है, खोलना इस तरह है, लगाना आपको इस तरह है, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, निकलेगा नहीं आपका। भैया बात करके अच्छा लगा। जी भैया, मेले में आने से आपका दुकान कितना नंबर में है? ये मेरा दुकान मतलब सेकेंड गेट पे है, ठीक है, सेकेंड गेट पे है, सीमाना है, और दो पान के दुकान के बगल में ही दुकान मेरा है।